Hello friends, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I'm back with another video. So today's video is about discussion on the timetable issued by University of Mumbai for choice-based credit system for semester 3. So aaj hum semester 3 ka jo timetable hai MCOM jo college se students kar rahe hai 60-40 paper pattern mein, unka jo timetable issue hua hai University of Mumbai se, us timetable ke bare mein hum discuss karenge. Agar aap ye timetable dekho to ek din mein kafi sare papers aapko yahan dikh rahe hai, to aaj hum ye पेपर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के पेपर्स आपके लिए होंगे और कौन सा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, बिकॉज स्टूडेंट्स यूजुअली ऐसे टाइम टेबल्स देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं. तो द एग्जाम ऑफ सेमेस्टर 3 बिगिंस फ्रॉम डिसम्बर 28 एंड द डे इज फ्राइडे. टाइम अलॉटेड इज 10:30 to 12:30 PM. और आपके पेपर कोड अगर आप देखो तो 72201 से लेके काफ़ी सारे पेपर कोड दिए हैं 72205 तक. तो अगर हम देखें इसमें जिन स्टूडेंट्स ने अकाउंटेंसी बेसिक सब्जेक्ट लिया है फॉर देयर एम कॉम, उनका ये जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर ये आपका अकाउंटेंसी से रिलेटेड पेपर होगा. सो जिन लोगों ने अकाउंटेंसी नहीं लिया है, बाकी के थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स लिए हैं, उनके अकॉर्डिंगली आपके थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स जैसे नीचे दिए हैं उसमें से आपका थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो सकता है. तो फर्स्ट पेपर इज ऑन डिसम्बर 28. The second paper is on Wednesday, January 2nd, and the time again allotted is 10:30 to 12:30 PM. इसमें भी काफ़ी सारे पेपर्स है. इसमें जिन लोगों ने ऊपर अकाउंटेंसी लिया होगा उन लोगों का यहाँ पे सब्जेक्ट होगा ये डायरेक्ट टैक्स का. तो डायरेक्ट टैक्स का आपका सब्जेक्ट होगा, और जिन लोगों ने थियरी लिया है उन लोगों का नीचे के जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है वो आपके होंगे. द नेक्स्ट पेपर विल बी ऑन फ्राइडे जनवरी 4th. अगेन द टाइम अलॉटेड इज 10:30 to 12:30 PM एंड द सब्जेक्ट विल बी एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग. तो अभी जिन लोगों के ये तीन सब्जेक्ट्स है उनका एग्ज़ाम जैन 4th को ख़त्म हो जाएगा, और जिन लोगों ने ये कॉस्टिंग वगैरह नहीं लिया है, कुछ थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स लिए हैं और उनके साथ किसी ने अगर ऑडिटिंग लिया है तो ऑडिटिंग का एग्ज़ाम आपका फिर आगे कंटिन्यू होने वाला है. एंड दैट विल बी ट्यूजडे जनवरी 8 को. एडवांस ऑडिटिंग का एग्जाम है जनवरी 8 को. एंड इफ सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टेकन सम थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह भी ऑप्शनल अप्लाइड कंपोनेंट्स थे, तो उसका सब्जेक्ट का पेपर होगा आपका जनवरी 10 को. तो जिन लोगों के पहले तीन सब्जेक्ट्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड डायरेक्ट टैक्सेस, उनका एग्ज़ाम 4 तारीख को ख़त्म होता है, और जिन लोगों ने ऑडिटिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ऑप्शन में लिया है उन लोगों का एग्ज़ाम 8 और 10 तारीख को आपका लास्ट पेपर होगा. सो दिस इज़ द पेपर टाइम टेबल इशूड बाई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, एंड द टाइम टेबल इज लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग, सो आई हैव क्लियर्ड इट बाय एक्सप्लेनिंग यू ऑल द पॉइंट्स अबाउट द टाइम टेबल. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स करो, एंड वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी इस टाइम टेबल में जो कन्फ्यूजन है वो टाइम टेबल क्लियर हो जाए. अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसे वीडियोज़ में जब फ्यूचर में डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. Yeah.